हेलपन दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सामने। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और चार ऑप्शन आप सामने, 5% की वृद्धि, 4% कमी, कोई परिवर्तन नहीं होगा और 10% कमी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक सेकंडों में कैसे बनाए। सबसे पहले तो क्या होगा, ये जान लेना है कि 20% बड़ा और 20% कम, यानी बराबर परसेंट में वृद्धि और बराबर परसेंट में कम। देखो, वृद्धि और कमी, ये अगर बराबर परसेंट में हो, इक्वल हो, है ना, वृद्धि और कमी दोनों अगर बराबर परसेंट में हो, यानी कि 20% वृद्धि है और 20% कमी है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो उस स्थिति में उसको क्या होगा, कमी, हानि, कमी ही होगी। और कमी कितने परसेंट होगी वो ध्यान रखना। देखो, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कमी या वृद्धि बट्टा 10 और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कमी या वृद्धि कितनी है, 20% है, 20/10, सीपर कट गई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 4, यानी कि उसको 4% की कमी होगी। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है, देखो, सेकंड विधि, फर्स्ट विधि तो ये होती है, सेकंड, इसमें क्या होता है कि x + y + xy/100, x मतलब वृद्धि कितनी 20%, कमी 20%, और ये 20 × -20/100, ये कट गया, 20 कितना है, 400/100, दो से पकड़ के बराबर -4, यानी कि 4% की कमी, ठीक। दो तरह से मैंने आपको समझा दिया।